appreciated. A good job there. बोलता है एक मिनट रुक बाद देख ले। अरे आप उनके टीम से ना सर, हाँ तो भाई तो तुम बूम पकड़ लो, मैं पूछ लेता हूँ। Of the power play proved a brutal blow for Mumbai ESS, but they are a good team. They know how to come back. Nice hit there down the ground for a single. सीधी लगी उस रोक पर, यानी 6 रनों का इजाफा अब पुनीत के खाते में और मुंबई एसिस के खाते में। अब जाकर ऐसा लग रहा है जान बच रही है इस गेम में। इस इनिंग का पहला सिक्सर लगता हुआ पुनीत के बल्ले से, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। Catches, win matches. Competitive against Delhi. Last time the Chennai team ki aur Delhi team ki ab unko merge kar diya gaya hai. Dono ke best players. Bahut badhiya effort wahan par. Bahut badhiya effort. I think very good team. They are excited. Deep shot is sensational ho chuka hai. Aur ab dekhte hain ki aage kya hone. Puri team jo hai wo piche hai. Ek captain hai. शरद अपनी तरफ से अपनी टीम से और दो बैट्समैन और बाकी पूरी जो दिल्ली की टीम है उन्होंने कैप्टन को घेर रखा है। कैप्टन बोल रहे हैं कि चक है, वी नॉट एक्सेप्टेड इन चक, बट शायद दोस्ती दोस्ती में प्यार प्यार में चक अलाउड हो जाए, कोई दोस्ती प्यार नहीं होगा, चक है तो चक, ऐसा बोल रहे हैं मुंबई एसिस के सारे। विनीत आई एम टेकिंग इट फ्रॉम हियर। और सौरभ, ये चकिंग की कंट्रोवर्सी है जो मत करना है और 10 मिनट से मैच रुका हुआ है। सौरभ क्या हो रहा है यार, ये चकिंग हो रही है, चकिंग हो रही है। क्या लगता है कि चिराग बॉल वापस डालेगा नहीं डालेगा? आई कंपेयर नहीं दिया है, हमने थोड़ी ना दिया, हमने तो बताया है। अच्छा तुमने सिर्फ दूर से बता दिया, दूर से इन्फॉर्म कर दिया और अंपायर ने दूर से वो बोल दे, तो फ्रीज भी मिलेगा। क्या लगता है कि कितना स्कोर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो आफ्टर दिस ब्यूटीफुल पार्टनरशिप ऑफ हिमांशु एंड पुनीत, कितना कहाँ तक जाएगी मुंबई एसिस की गाड़ी? 5 स्कोर है तुम्हारे लिए, मतलब क्या बॉलिंग बेटा कैसा? स्ट्रॉन्ग भी नहीं, विदाउट चक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक एंड सौरभ इज द मेन बॉलर ऑफ और बॉलिंग बड़ी ऑनेस्ट भाई, वी हैव एक टप्पा बीच में घुस गए ना पकड़ा।
किधर ओ भाई बस उतना ही मेरा तो और ये खत्म इतने बस मेरा तो इससे भी है पूरा चेहरा दिखता मतलब पूरा इन दिस गेम आई सजेस्ट ओ एक रन समवेयर अराउंड 80 85 इज गोना बी द चोजन बिकॉज़ देयर इज नो चांस ओ देयर इज अ चांस फॉर रन आउट यस इट इज अ मिसकम्युनिकेशन प्रूविंग कॉस्टली फॉर मुंबई एसेस रन आउट अंदर है तो कोशिश यही रहेगी कि आप पूरे ओवर खेलें यहाँ पे और एक बार बाउंड्री अगर यहाँ पे मिल जाती है तो ये प्लस पॉइंट फॉर मुंबई It was one shot. So there's no run scored for this delivery. It was already one shot and then the run out. बोल रहे हैं अंपायर को कौन बुलाया यहाँ पे अंपायर के साथ बॉलर और बैटर झगड़ा करते हुए बॉलर भी आ चुके नजर आ रहे हैं यार अपने अंदर स्पोर्ट्समैनशिप यहाँ पे कीपर को फुल पोजीशन कीपर के पास दिखा कीपर फुल पोजीशन लेते हुए स्कोर बोर्ड इज 74 एट द मोमेंट अरे कट कर पूरा एमएन जाएगा अपना नहीं है बैंडी अंपायर को चल रहे पे बॉलर बॉल डालते हुए ले आउट आउट है अगेन अ चांस इज दैट आउट यस इट इज आउट कॉल्ड बाय द लेग अंपायर व्हाट्स हैपनिंग देयर रिव्यू बहुत ही बॉल में आउट हो गए जितने और जितने पडली में गया था बॉल क्विक थे और एक बढ़िया कट हालांकि दिल्ली के बाहर भी बॉल उनके हाथों से गई Well, Aruk Verma, you know what this man is proving. Like, Rolling. शरद क्या कहेंगे इस बार थर्ड सीजन है एंड मुंबई टीम को लीड कर रहे हैं इट्स फन बेसिकली सेस बस्टर सारे एक्टर्स के लिए एंड शुरुआत की थी थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो गया दिस ईयर भोजपुरी इंसर्शन इज ग्रेट तो चार टीम्स हैं और मुंबई भी काफ़ी स्ट्रांग है इस मैच में थोड़ा कम स्कोर किया है बिकॉज अर्ली विकेट्स गिर गए फिर भी हमने काफ़ी रिकवर किया But looking forward to bowl them out early. देखते आपके लिए कैसा रहा इस बार का थर्ड सीजन किस तरह से चल रहा है फिलहाल पहला ही मैच हमारा तो अभी पहला मैच है फर्स्ट डे आज तो बिकॉज इतने टाइम के बाद सब रीग्रुप हुए हैं नए प्लेयर्स आए हैं तो थोड़ा ट्यूनिंग में टाइम लगता है ज़्यादा प्रैक्टिस भी किसी ने नहीं की है तो टाइम लगेगा बट या विल बी इनफॉर्म आई थिंक द नेक्स्ट मैच यू नो एक ऐसा टाइम आ गया है कि अभी तो हर किसी को फिटनेस बहुत जरूरी चाहे वो क्रिकेटर हो सेलिब्रिटी हो एक आम इंसान भी हो जी 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 तो कितना फिटनेस पर ध्यान रखते हैं आप हम हमेशा देखते हैं आप फिटनेस को बहुत ही नहीं ऐसा बिल्कुल फिटनेस ठीक है हाँ मतलब मैं वो बॉडी वॉडी बनाने में ज़्यादा विश्वास रखता नहीं हूँ जब तक कि काम ऐसा ना है जहाँ उसकी ज़रूरत पड़े मैं हमेशा एक बेसिक फिटनेस की बात करता हूँ कि आप बेसिक फिट रहें सारी एक्टिविटी करने के लिए चाहे वो क्रिकेट खेलना हो चाहे वो हाइकिंग जा रहे हो चाहे डांसिंग हो आप उसके लिए फिट रहें हाँ जहाँ एक कोई ऐसा करेक्टर आता है जहाँ आपको बॉडी दिखानी है सिक्स पैक है बेयर बॉडी शॉर्ट्स है उसके लिए आप पर्टिकुलर उस टाइम के लिए ट्रेन करें बट अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ बॉडी तो बेसिक फिटनेस पे ध्यान दें फिट रहें सारी आपकी इंजरीज ना हो सेफ रहें और यू नो बायोपिक का टाइम है कोई ऐसी पर्सनालिटी क्रिकेट की जिसके ऊपर आप बायोपिक करना चाहें यार धोनी की थी वो तो कर ली हाँ वो तो इसीलिए बट पोस्ट वर्ल्ड कप भी कर सकते हैं शायद किसी का मन करे तो आई वुड लव टू डू दैट एक मेरे दोस्त है बहुत अच्छे
एक्सिक्यूटर हैं इंडिया के सलील अंकोला, उनकी कहानी बड़ी बड़ी उतार चढ़ाव वाली है। दिखते भी मतलब मैं उनके से बड़े दिखता हूँ शायद, वो एक ऐसा किरदार है, दोस्त है मेरे बहुत अच्छे। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है यार, और हम लोगों ने बहुत अच्छा खेला है। आई थिंक 78 पे अगर किसी टीम को, मुंबई से इस टीम को रोक दिया जाए, इट्स अ ग्रेट थिंग, ग्रेट एफर्ट। तो तैयारी की आपने? देखो तैयारी तो मेंटली तो करनी पड़ती है, बट अगर हम फिजिकली की बात करें तो हम लोग यू नो नेट प्रैक्टिसेस करते हैं, टाइम टू टाइम मिलते भी रहते हैं, सो दैट वो क्रिकेट की बॉन्डिंग बनी रहे, सो दैट जब टीम उतरे क्या ग्राउंड के ऊपर तो ऐसा नहीं हो कि यार वो ट्यूनिंग ही नहीं मैच हो रही, बिकॉज एवरीवन इज लाइक बिजी विद देयर शेड्यूल एंड शूटिंग्स एंड ऑल एवरीथिंग। सो या काफी थर्ड सीजन है और काफी चेंजेस भी हुई है टीम में, कुछ बताना चाहिए क्या क्या चेंजेस हुआ? चेंजेस सबसे बड़ा ये हुआ है कि चेन्नई और दिल्ली की टीम मर्ज हुई है, मीन्स आप ये सोच सकते हो कि 40 अच्छे खेलने वाले लोग थे और उसमें से 20 रह गए, तो आई कैन कंसिडर माई सेल्फ लकी कि मैं उन 20 में हूँ या 18 में हूँ एंड प्ले भी कर रहा हूँ। सो या आखिर में ये कहना चाहूँगा कि यार जो देख रहे हैं आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अगर हमें प्यार देंगे, हमें सपोर्ट करेंगे तो ये और बड़ा होगा और हम और अच्छे से खेल पाएंगे। कश्मीर फाइल आपने देखी, काफ़ी चर्चा हो रही फिल्म को लेके, लोग कह रहे हैं कि बहुत इमोशनल फिल्म है, आपने देखी कि नहीं? आई एम रियली सॉरी, मैं देख नहीं पाया बिकॉज आई वॉज कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग, सो बट आई हैव बीन हियरिंग अबाउट अ लॉट एंड स्पेशली ट्वीट पे जो लोग निकल रहे हैं काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। डेफिनेटली मेरे भी एक दोस्त ने मुझे बताया कि बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत ही ब्रूटल जो ऑनेस्टी थी उस टाइम की वो सब उन्होंने दिखाई है, रियलिटी दिखाई है, ब्रूटल रियलिटी दिखाई है उसमें, और बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छी लग रही है बिकॉज आई यू नो कि अगर ऑनेस्टी है एक प्रोडक्ट में, एक प्रोजेक्ट में, तो वो डेफिनेटली सबको टच करती है यार, इमोशंस को टच करती है। वेलकम। सर हाउ मच एक्साइटमेंट, थर्ड सीजन चल रहा है ये और पिछले सीजन में भी आप थे, हमेशा से आप जुड़े हुए थे, सीजन से क्या कहना चाहिए? तो मैं क्रिकेट के साथ बहुत पहले से जुड़ा हूँ और बॉक्सी बॉयज़ के साथ पिछले 15 साल से, मोर देन 15 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ, और ACB जो है वो हम सब के लिए, जो कोर टीम है हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अजीज़ है हम सब के लिए, इट हैज़ टू सक्सीड एंड इट हैज़ बीन सक्सीडिंग, सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे यू नो विथ द टीम एंड विथ दिलीप आउट ऑफ द बॉक्स, दिलीप एंड द एंटायर टीम दैट यू नो वी आर ट्राइंग टू पुल दिस थ्रू। आप क्या कहना चाहिए, क्या क्या नए चेंजेस हुए कुछ ये समय, ऐसी जानकारी मिली है क्या है? हमने आर्टिस्ट को थोड़ा टाइम बहुत देना पड़ रहा था, काफ़ी मिस हो रहे थे, तो हमने उसको एक तो शॉर्ट फॉर्मेट कर दिया जो फास्टेस्ट फॉर्मेट हो जाएगा आज की तारीख में T10 का, तो हमने वो वाला फॉर्मेट कर दिया। भोजपुरी टीम ये पहले साल एंट्री मारी है हमारे ACB में, उसकी वजह से समझो हमने रीजनल को ओपन कर दिया एरिया को, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग अगले साल हमें पंजाबी, मराठी, बंगाली ये टीम से भी चांसेस है कि आएंगे, तो हमारी लीग थोड़ा और ज़्यादा बढ़ेगी, हम मुंबई से बाहर जाएंगे अलग अलग जगह पे खेलने, सब पूरी इंडस्ट्री को, टेलीविज़न इंडस्ट्री को, यू नो फिल्म इंडस्ट्री को इंडिया की एक अच्छे मतलब प्लेटफॉर्म पे क्रिकेट खिलाएंगे हम लोग। आखिर में कुछ फैंस हैं, आप क्या कहना चाहेंगे?
हम ये कहना चाहेंगे कि फैंस अगर हमारे तो क्रिकेट के भी होंगे, सो प्लीज़ सपोर्ट ACB, हमको आप लाइव भी देख सकते हैं, सो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए एंड देन वी आर इन फेवर ऑफ क्रिकेट. तो जस्ट स्टैंड बाय अस, व्हाट एल्स दिल्ली टाइटंस, दैट्स व्हाट वी आर. या टीम सारी अच्छी है. एज अ मैटर ऑफ़ फैक्ट इवन मुंबई इज़ अ फैंटास्टिक टीम. इस बार वी आर ऑल्सो होल्डिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग. दिल्ली टाइटन्स की टीम में बरकत हुई है थोड़ी सी एंड वी हैव बेटर प्लेयर्स ऑल्सो, बट आई थिंक एवरी टीम इज़ फैंटास्टिक. अहमदाबाद दैट वी हैव सीन आज सुबह सुबह जो उन्होंने खेला, भोजपुरी हैज़ अ वेरी पावरफुल टीम. सो आई थिंक कहीं भी गार्ड्स डाउन नहीं कर सकते हैं, एक्टर्स तो हैं, लेकिन यहाँ पर वी कैनॉट परफॉर्म लाइक एक्टर्स, वी हैव टू प्ले लाइक क्रिकेटर्स. थैंक यू. The stump and outside is just kissing the bat into the glove. बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो एंथू है बहुत ही लेवल बहुत ही ऊपर है और जल्दी हमने दो बैट्समैन आउट कर दिए उनके. सो होपफुली ये वाला मैच हम काफ़ी कंट्रोल में है, हमारी पोजीशन काफ़ी कंट्रोल में है, सो होपिंग फॉर विन. आपकी तरफ से हम क्या देखेंगे आपकी टीम का योगदान करते हुए? मेरी तरफ से अभी एक्चुअली आज मैं मैच नहीं खेल रहा हूँ, हाँ, क्योंकि मैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि आज मेरा शूट है तो मेरे को भी थोड़ी देर बाद वापस जाना है. बट मेरे यहाँ आने से ही जल्दी दो विकेटें गिर गई हैं, सो आई थिंक आई एम द लकी चार्म फॉर माई टीम. थैंक यू. मैं नागिन कर रहा हूँ, नागिन 6, और जो कि ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है मेरा कैरेक्टर भी और शो भी. कोशिश कर रहा हूँ कि जितने आगे जो एपिसोड्स आने वाले हैं वो सब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और लोगों को काफ़ी पसंद आएंगे. मैं बहुत ही दुखी हूँ उस बात से कि तेजस्वी से मेरी शादी नहीं हो पाई, और हालांकि लोगों को बहुत पसंद आ रही है हमारी जोड़ी साथ में, हमारे सीन्स काफ़ी अच्छे हो रहे हैं और उसके साथ काम करके भी मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है. बट इतनी आसानी से मैं अपने प्यार को जाने नहीं दूंगा, तो कोशिश करूंगा कि वापस से मेरे काफ़ी ट्रोलिंग किया जाता है और उनको कहा जा रहा राखी सावंत जिस तरह से वो मीडिया जो पापराजी के साथ होते हैं, आप सेट में आप लोगों ने देखा होगा, आपको ही खुद मालूम होगा कि खुद ही बुलाती हो तो बाद में मीडिया को कहती कि मेरे को उस चीज़ का आइडिया नहीं है और मुझे नहीं, मैं ये चीज़ मैं ना ध्यान देता हूँ और ना मुझे पता है इस बारे में, सॉरी इस बारे में मुझे आइडिया नहीं है. थैंक यू. इस टूर्नामेंट को लेकर एक्चुअली मैम, हम क्रिकेट के नाम पे उछल जाते हैं और ऊपर से ACB टूर्नामेंट है ये, सेलिब्रिटी क्रिकेट एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि हम लोग खेल रहे हैं. तो जैसे हमको पता चला कि हमको इनवाइट किया गया है, हमको जगह मिलने वाली है, तो हम लोग जो जहाँ पे है वहाँ से ट्राई करने लगा प्रैक्टिस करने की, बिकॉज हम काफ़ी दिन से प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे. लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. T10 का ज़माना आ गया है, T10 T20, और हमारी टीम ऐसी है ना, हम T20 को भी T10 के माफिक खेलते हैं. जी जी. आपका क्या योगदान देने वाले हैं, कितना आज आपकी तरफ से रहेंगे?
मैं तो चाहूँगा कि मेरे तरफ से योगदान, लाइक मुझे बॉलिंग मिलती है, बैटिंग का कम चांस है बिकॉज 10 ओवर आते आते मेरे एक दो से एक दो प्लेयर ही होगा तो आउट होंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मिलने वाला है। तो बॉलिंग से मैं चाहूँगा कि मैं अच्छा खासा योगदान दूँ और रन कम दूँ, विकेट निकालूँ, यही रहेगा अपना बेस्ट। Thank you. रोलिंग अनुपम जी, हाँ जी, कितने एक्साइटेड हैं T20 से T10 का जमाना आ गया। देखिए एक्साइटिंग तो बहुत है क्योंकि हमारे देश के ये जो दिग्गज कलाकार हैं एंटरटेनमेंट तो करते ही हैं लेकिन साथ में अभी क्रिकेट खेल रहे हैं जो हमारे देश का अव्वल नंबर का खेल है, तो दोनों को आप साथ जोड़ देते हो तो एंटरटेनमेंट मीट्स क्रिकेट, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो सभी के लिए एक्साइटिंग है, ना सिर्फ मेरे लिए, तो हम सब बड़े उत्साह से यहाँ आए हैं सपोर्ट करने ACB को। और ये जो दिलीप अग्रवाल जी ने इसको क्रिएट किया इतनों सालों से मेहनत करके, तो उनकी बड़ी मिसाल है, उनको सलाम करना पड़ेगा इस बात को लेकर। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। क्या हम आपको भी देखेंगे क्रिकेट खेलते हुए? यार मैं एक बात कहता हूँ आपसे, एक गहरी बात है। क्या होता है ना, जब हम बचपन में होते हैं तब हमारे पास स्वास्थ्य रहता है लेकिन पैसे नहीं रहते, कामयाबी नहीं रहती जब हम छोटे होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और कामयाबी पाते हैं ना, तो स्वास्थ्य क्या है वो थोड़ा पीछे रह जाता है। एक बार सक्सेस आता है तो हेल्थ थोड़ा पीछे हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है ना, ये इतने बिजी कलाकार फिर भी वक्त निकाल कर अपने हेल्थ की तरफ, फिटनेस की तरफ, स्पोर्ट की तरफ ध्यान देना नौजवानों के लिए, मुझे समझता हूँ ये बहुत बड़ी मिसाल है कि आप पढ़ाई करें, कामयाबी की चोटियाँ छुएं लेकिन फिटनेस नहीं भूलें। तो मेरे लिए जो आपने सवाल पूछा था कि क्या मैं भी क्रिकेट खेलूँगा, मुझसे ये गलती हुई कि मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है ना। हम अक्सर करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, मैं US पहुँच गया था, 10 साल वहाँ रहा था, तो क्रिकेट बिल्कुल जहन से निकल गया। लेकिन मैं फिटनेस और तरीक़ों से करता हूँ, मार्शल आर्ट्स करता हूँ, वेट लिफ्टिंग करता हूँ, तो फिट रहता हूँ। लेकिन हाँ, अगर मुझे शर्मिंदा करना है तो आप ज़रूर मुझे क्रिकेट के मैदान पे उतार दीजिए, नहीं तो मैं यहीं से सपोर्ट करता हूँ। हाँ फिटनेस में ठीक है, अच्छा जी, चलिए आपके टेक्निक भी कुछ होती है भाई, सिर्फ फिट होकर आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। चलिए ऑडियंस को कुछ कहेंगे, जिस तरह से ये क्रिकेट चल रहा है, यहाँ पर सारे कलाकार आए हुए हैं, आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं लकली। हाँ जी, नहीं ऑडियंस को तो बस दो तीन यही बातें हैं जो मैंने ऑलरेडी कह दी। बड़ा मज़ेदार खेल है हमारे देश का, अव्वल नंबर खेल इसीलिए है, और साथ में हमने इसके साथ एंटरटेनमेंट जोड़ दिया तो और भी मज़ा आएगा। और ये कोई मतलब ऐसे वैसे खिलाड़ी नहीं है, मैं काफ़ी सालों से इनको देख रहा हूँ खेलते हुए, और जब से दिलीप जी ने किया शुरू तब से मैं देख रहा हूँ। तो ये बहुत दिग्गज खिलाड़ी भी हैं, कलाकार भी हैं, तो एज आई सेड अर्लियर क्रिकेट मीन्स एंटरटेनमेंट, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो देखिए, मज़े कीजिए, खेलते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।